व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द स्टोरी ऑफ पाल्मा। वेल गाइस, ये कहानी एक फीमेल डॉग की है जिसका प्यार और लगाव देखकर पूरी दुनिया की आंखें नम हो गई। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें मॉस्को एयरपोर्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ईगर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि काफी खुश होता है। वो अपने पेट डॉग पाल्मा को लेकर फॉरेन ट्रिप पर जा रहा है। एयरप्लेन में बैठने से पहले अपने बोर्डिंग पास एक नीना नाम की एयर हॉस्टेस को दिखाता है। अब ये देखकर नीना उससे कहती है कि आपको इस डॉग का मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा, पर ईगर बोलता है कि उसके पास पाल्मा का कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है। तो नीना उसे बताती है कि एयरपोर्ट पर ही एक क्लिनिक है, पहले आपको इसका मेडिकल बनवाना होगा, तभी आप इसे ले जा सकते हैं। ये सुनकर ईगर वहां से भागते हुए उस क्लिनिक में आता है, लेकिन जब वो पाल्मा को वहां पे डॉक्टर्स चेक करते हैं तो उसे पता चलता है कि उसके कान में इन्फेक्शन है, जिस वजह से डॉक्टर उसे उसका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। अब ईगर वहां से परेशान होकर दोबारा नीना के पास आता है और उससे मिन्नतें करता है कि वो पाल्मा को प्लेन में जाने दे, क्योंकि वो बिल्कुल अकेली है, उसका यहाँ कोई नहीं है, इसलिए मैं उसे अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। ईगर बताता है कि बहुत मुश्किलों के बाद मेरी फॉरेन में जॉब लग गई है, मेरा वहां जाना बहुत ही जरूरी है, अगर मैं वहां नहीं गया तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। यहां तक कि ईगर उसके पैर भी छूने लगता है कि वो उसे उसके साथ जाने दे, और नीना पाल्मा को देखकर उस पे उसको दया आ जाती है और ईगर को जाने की परमिशन दे देती है। लेकिन दोस्तों, तभी वहां पर जो सिक्योरिटी हेड होती है जिसका नाम होता है जूरीना, वो आ जाती है। उसे देख के ईगर उसे सारी बातें समझाता है, लेकिन वो उसे ये बोल के मना कर देती है कि ये हमारी रूल्स के खिलाफ है, और बहुत बुरी तरह से ईगर से बातें करती है। वो ईगर से बोलती है कि क्या तुम्हें ये कोई सर्कस या फिर कोई जू दिख रहा है, बिना सर्टिफिकेट के तुम इसे नहीं ले जा सकते हो। अब यहाँ ईगर समझ जाता है कि उसे पाल्मा को यहाँ अकेले छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका फॉरेन जाना बहुत ही जरूरी है। इसलिए वो पाल्मा को प्लेन से थोड़ी दूर पर ले जाता है और अपने पॉकेट से एक बॉल निकाल के दूर फेंकता है, जिसके पीछे पाल्मा भागते हुए जाती है, और इसी बीच ईगर प्लेन में भागते हुए जाके बैठ जाता है। जब पाल्मा बॉल लेके वापस आती है तो वो देखती है कि ईगर उसे वहीं अकेला छोड़कर प्लेन में जा रहा है। थोड़ी देर बाद प्लेन टेक ऑफ करने लगता है, तभी नीना की नज़र पाल्मा पर पड़ती है जो कि प्लेन के साथ ही भाग रही थी, क्योंकि वो अपने मालिक को अकेले नहीं जाने देना चाहती थी, और भागते भागते वो प्लेन के आगे आ जाती है। पाल्मा को देखकर पायलट प्लेन को रोक देता है, जिसके बाद पाल्मा साइड होके भौंकने लगती है ताकि ईगर उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन प्लेन के अंदर ईगर चुपचाप बैठा रहता है, वो उसे कुछ नहीं बोलता, जिस वजह से पाल्मा साइड हो जाती है, और उसके साइड होने के बाद प्लेन फिर से टेक ऑफ करने लगता है। लेकिन पाल्मा को उम्मीद होती है कि ईगर प्लेन से उतर के आएगा और उसके साथ ले जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त। अब प्लेन हवा में होता है और ईगर पाल्मा को अकेले यहीं छोड़ देता है। ईगर को खुद दूर जाते देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है पाल्मा की, और वो अब यहाँ बिल्कुल अकेले हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो अपने साथियों के साथ आते हैं। वो पाल्मा को रनवे पर देखकर ये लोग उसे मारने वाले थे, और तभी पाल्मा वहां से भागकर एक यार्ड में छुप जाती है, जहां पे एक टिकनोव नाम का मैकेनिक रहता है। वो पाल्मा को एक ट्रेलर के नीचे छुपा देता है, और जब गार्ड वहां आते हैं तो वो उसे पाल्मा के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब जब टिकनोव पाल्मा को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये परेशानी में है। वो उसे कुछ खाने को देता है और उसे यहीं पे आराम करने को कहता है, लेकिन तभी पाल्मा को एक प्लेन की आवाज़ सुनाई देती है और वो फिर से भागते हुए रनवे की तरफ चली जाती है और सोचती है कि ईगर उसे वापस लेने आ गया है। गाइज, हम इस प्लेन के अंदर का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम एक मिनिस्टर को देखते हैं जो कि प्लेन में अपने कुछ दोस्तों के साथ मॉस्को आ रहे हैं। इस प्लेन को एक विक्टर नाम का पायलट उड़ा रहा था, और उसी प्लेन में उसका 8 साल का बेटा भी था जिसका नाम था कोलिया। अब विक्टर प्लेन को लैंड कराता है, पर उसी दौरान रनवे पे पाल्मा आ जाती है, जिसे देख के वो दोबारा से प्लेन को ऊपर कर देता है। अब ये देखकर अंदर बैठा मिनिस्टर को काफी गुस्सा आता है। वेल, थोड़ी देर बाद प्लेन फाइनली लैंड हो जाता है, लेकिन इतनी बेकार लैंडिंग की वजह से मिनिस्टर जूरीना से काफी नाराज हो जाता है, जो कि यहाँ की हेड है। जूरीना उनसे कहती है कि आप परेशान मत होइए, हम इस डॉग को यहाँ से भगा देंगे। अब पाल्मा वहीं एक प्लेन के पास खड़ी रहती है, वो प्लेन से उतरते हुए सारे पैसेंजर को काफी गौर से देखती है, और उसमें हमेशा की तरह आज भी लग रहा है कि ईगर उसे लेने आया है। इस बेचारे को ये नहीं पता होता कि वो हमेशा के लिए इसे छोड़कर यहाँ से चला गया है। और तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं जो पाल्मा को मारने लगते हैं और फिर उसे किसी तरह से पकड़ लेते हैं। वो सबको बताते हैं कि हमें इसे गोली मारने का ऑर्डर मिला है, जिसके बाद वो पाल्मा को पकड़ के बस में बंद कर देते हैं। तभी वहाँ नीना और टिकनोव भी आ जाते हैं। उन्हें ऐसा करते देखकर वो बहुत उन्हें रोकते हैं, लेकिन ये लोग उनकी एक बात भी नहीं सुनते। वहीं थोड़ी दूर पे कोलिया उनकी बातें सुन लेता है, और उसे पाल्मा पे बहुत ही दया आ जाती है, जिस वजह से वो उस बस में छुपके से घुस जाता है और जाके बस का गेट खोल देता है, और गेट खोलने की वजह से पाल्मा वहाँ से भाग जाती है। कोलिया की इस हरकत की वजह से वो गार्ड उसे बहुत गुस्सा होते हैं, उसे बहुत सुनाते हैं।
पर तभी वहां पर विक्टर आ जाता है जो उस गार्ड को बोलता है कि ये मेरा बेटा है, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम यहाँ से जाओ। अब विक्टर की बात सुन के वो गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम विक्टर और जूरिना को देखते हैं। जूरिना विक्टर को उस रफ लैंडिंग की वजह से काफी बुरा भला सुनाती है और वो उसे ये तक बोल देती है कि उसे इस लैंडिंग की वजह से अब इंटरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। अब विक्टर उसे बताता है कि उसकी वाइफ के जाने के बाद वो और उसका बेटा काफी मुश्किल में है, इसलिए उसका बेटा काफी परेशान रहता है और इसी वजह से उसका काम पे ध्यान नहीं लग रहा है। अब जूरिना उसकी बात प्रॉब्लम उसकी समझ जाती है और उसे सॉरी बोलती है, उसे माफी मांगती है। आखिर में वो ये बोल के उसे वहां से भेज देती है कि कुछ महीनों में तुम्हारी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट होगी, उसके लिए तुम्हें रेडी रहना है। विक्टर को ये बात सुन के खुश हो जाता है और वहां से खुशी खुशी चला जाता है। अब रात हो जाती है दोस्तों और विक्टर और कोलिया अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं, लेकिन उन दोनों की बातों को सुन के हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों में कुछ खास नहीं बनती। कोलिया को उसके डैड कुछ खास पसंद नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी उनसे और उसकी मॉम को टाइम नहीं दिया। उसे ये भी लगता है कि उसकी मॉम की मौत उन्हीं की वजह से हुई है। इस वजह से थोड़ी रात होने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो ये घर छोड़कर चला जाएगा। वो ऐसे ही करता है, वो आधी रात को घर से भागकर सीधा एयरपोर्ट पे जाता है और टिकट लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एज काफी कम है इसी वजह से उसे टिकट नहीं मिलता। लेकिन कोलिया चालाकी से रनवे तक पहुंच जाता है और एक कपल के साथ प्लेन में चढ़ने लग जाता है, लेकिन तभी एयर हॉस्टेस उसे देख लेती है और उसे रोकती है, लेकिन किसी तरह से वो उसे चकमा देकर वो वहां से भाग जाता है और प्लेन के टायर्स के पास जाकर छुप जाता है। लेकिन तभी वहां पालमा आ जाती है और उस पर भौंकने लगती है, जिसे गार्ड कोलिया को देख लेते हैं और उसे मजबूरन वहां से भागना पड़ता है। अब अगली सुबह हम कोलिया और पालमा को एक साथ सोते हुए देखते हैं, तभी वहां विक्टर आ जाता है। वो कोलिया को बहुत डांटता है, उसे घर ले जाने लगता है और ये देखकर पालमा उसे भौंकने लग जाती है, जिसे विक्टर पीछे हट जाता है। अब टिकनोव विक्टर से कहता है कि तुम जाके अपनी फ्लाइट लो, मैं कोलिया का यहाँ पे ख्याल रख लूंगा, जब तुम वापस आओगे तो तुम उसे यहाँ से ले जाना। अब विक्टर उसकी बात मान लेता है और अपनी फ्लाइट लेने के लिए चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि वहां नीना आती है जो कि टिकनोव से काफी गुस्सा होती है। वेल गाइज, ये दोनों के बीच में बाप बेटी का रिश्ता होता है। अब नीना टिकनोव को कुछ और बताती है कि एक प्लेन की आवाज आती है, जिसे सुन के पालमा दोबारा से रनवे की तरफ भागने लगती है और तब टिकनोव बताता है कि ये ऐसा हर प्लेन की आवाज सुन के उसके साथ करती है। लेकिन उसी टाइम नीना पालमा को असली कहानी बताती है। वो कहती है कि वो ऐसा सिर्फ अपने मालिक के लिए करती है क्योंकि उसे लगता है कि किसी न किसी प्लेन में उसका मालिक होगा। और नीना बताती है कि कुछ समय पहले एक ईगर नाम का आदमी पालमा के साथ आया था और वो उसे यहीं छोड़कर चला गया। तब से वो हर प्लेन की आवाज सुन के उसका पीछे भागती है। अब ये सब बातें वहां बैठा कोलिया भी सुन लेता है, जिसके बाद उसके दिल में पालमा के लिए और प्यार बढ़ जाता है। कोलिया उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी तरह मैं भी अपनी माँ को मिस कर रहा हूँ। अगले दिन कोलिया एयरपोर्ट के एक एजेंट के पास जाता है और उनसे ईगर का एड्रेस मांगता है, लेकिन वो प्राइवेसी इश्यू की वजह से उसे देने से मना कर देते हैं। कोलिया उसे बताता है कि वो ईगर का एड्रेस पे उसे बस एक लेटर भेजना चाहता है ताकि वो उसे वापस आके पालमा को ले जाए। वहीं एक तरफ पालमा हर बार की तरह एक प्लेन के आने के बाद उसके जाके उसके पास खड़ी हो जाती है, पर इसी बार ही उसे एक आदमी दिख जाता है जो पीछे से बिल्कुल ईगर लग रहा था और उसे लगता है कि वो ईगर है, इसलिए पालमा उसके पीछे भागते भागते टर्मिनल तक आ जाती है और वो उसे बचने के लिए पालमा टर्मिनल के अंदर आ जाती है। लेकिन पालमा जैसे तैसे उसे बच के उस पैसेंजर तक पहुंच जाती है, पर उसके पास पहुंचने पर उसे चलता है कि वो ईगर नहीं बल्कि कोई और है। और तभी वहां पर गार्ड्स भी आ जाते हैं और उसके साथ ही जाल डालकर उसे पकड़ने लगते हैं। लेकिन इसी बीच वहां कोलिया आ जाता है जो कि उस गार्ड को चकमा दे देता है, जिससे कि फिर से पालमा वहां से भागने लगती है। लेकिन उसकी वजह से टर्मिनल में काफी तबाही होती है, काफी चीजों का नुकसान हो जाता है। कोलिया और पालमा उन गार्ड से बच के एक जगह जाके छुप जाते हैं। तभी वहां पर एजेंट आती है जो कोलिया को ईगर का एड्रेस देती है और उसे कहती है कि तुम इसे लेके यहाँ से पीछे वाले रास्ते से निकल जाओ। अब जब विक्टर फ्लाइट से वापस आता है तो उसे वहां इंटरनेशनल फ्लाइट के पायलट दिखते हैं जिनके ड्रेस व्हाइट होते हैं। दोस्तों, विक्टर को अभी इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं मिला था और उसका एक सपना था कि वो इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाए। अब जब विक्टर जूरिना से मिलता है तो जूरिना उसे बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसके बेटे और पालमा की वजह से उनकी बहुत बदनामी हो रही है और जूरिना उसे एक सौदा करती है और बोलती है कि अगर तुम पालमा को पकड़वा दो तो मैं तुम्हें इंटरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस दिलवा दूंगी। विक्टर उसकी बात मान जाता है और वहां से यार्ड पे जाता है जहां पे वो कोलिया और नीना और टिकनोव तीनों होते हैं। विक्टर अपने साथ डॉग स्नैचर्स को भी ले जाता है। उन्हें देख के कोलिया बहुत चिल्लाता है, नीना भी उन्हें काफी रोकती है, लेकिन ये लोग उसकी एक बात नहीं मानते और पालमा को घसीट कर ले जाते हैं। ये बहुत ही एक इमोशनल सीन होता है। अब ये सब देखकर कोलिया विक्टर से बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वहीं नीना विक्टर को गुस्से में वो लेटर देके चली जाती है जो कोलिया ईगर को भेजने वाला था,
जिसमें लिखा था कि आपका डॉग जो आपसे बिछड़ गया है वो अभी भी आपका इंतजार कर रहा है, प्लीज आके उसे ले जाइए। और लास्ट लाइन में कोलिया लिखता है कि चाहे इंसान हो या जानवर, अपने को छोड़कर जाने का दर्द सबको होता है। अब इस लेटर को पढ़ने के बाद विक्टर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसे कोलिया और पाल्मा को अलग नहीं करना चाहिए था। और तभी वो देखता है कि कोलिया अकेले घर से बाहर जा रहा है। वो समझ जाता है कि वो पाल्मा को बचाने के लिए जा रहा है, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे कार से जाने लगता है। ये बोलता है कि चलो हम दोनों पाल्मा को बचाएंगे। उसके बाद सुन के कोलिया बहुत ही खुश हो जाता है और कार में बैठकर दोनों उसे बचाने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम पाल्मा को देखते हैं जो कि काफी होशियार होती है। वो अपने पिंजरे को खुद ही खोल लेती है और साथ साथ में अपने कुछ और साथियों को भी छुड़ा लेती है, जिसके बाद सारे जो उसके साथी होते हैं वो आजाद हो जाते हैं। अब जब कोलिया और विक्टर डॉग शेल्टर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां नीना मिलती है जो बताती है कि पाल्मा वहां से भाग गई है। ये सुन के सारे लोग काफी उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि पाल्मा कहाँ गई होगी। भी कोलिया कहता है कि मुझे पता है कि वो कहाँ गई है। वो लोग अगली सुबह एयरपोर्ट आते हैं लेकिन वहाँ उन्हें पाल्मा नहीं मिलती। लेकिन तभी टिकनोव देखता है कि पाल्मा दूर से भागते हुए आ रही है। उसे अपनी तरफ आते देख कोलिया काफी खुश हो जाता है, पर पाल्मा आती एक प्लेन को खड़ा देख उसमें आते हुए पैसेंजर को चेक करने लगती है। लेकिन इस बार भी वो उदास हो जाती है क्योंकि इस प्लेन में ईगर नहीं था। अब विक्टर को समझ आ जाता है कि पाल्मा असल में परेशानी में है, इसलिए उसके लिए उसे कुछ करना होगा। वो एक रिपोर्टर को बुलाता है और उसकी फोटो न्यूज़पेपर में छपवाता है, पर उस न्यूज़ को देखकर जुरीना काफ़ी नाराज होती है। वो विक्टर को बुला के उसे बताती है कि अब कभी भी इंटरनेशनल फ्लाइट तुम नहीं उड़ा पाओगे। और इसी बीच जुरीना को एक कॉल आ जाता है जो कि शहर के मिनिस्टर का होता है, जिसे कि हमने की मूवी की शुरुआत में देखा था। वो पाल्मा की स्टोरी को अपने फायदे के लिए यूज़ करना चाहता था। और जब वो मिनिस्टर आता है तो वो विक्टर से काफ़ी तारीफ करता है उसकी, क्योंकि विक्टर ने फोटो वगैरह छपवाई थी और उसने पाल्मा का इतना ख्याल रखा था। वो मिनिस्टर सभी मीडिया को बुलाता है और अनाउंसमेंट करता है कि पाल्मा का ओनर जो भी हो, जहाँ भी हो, आके उसे प्लीज यहाँ से ले जाए। पाल्मा उसका इंतजार कर रहा है और ये सब मिनिस्टर अपने फायदे के लिए कर रहा था, ताकि दोस्तों वो लोगों की नजरों में हीरो बन जाए। इसके साथ साथ वो विक्टर का इंटरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस भी एग्री कर देता है। ऐसे ही दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और पाल्मा और कोलिया के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहीं विक्टर और कोलिया के बीच भी अब नजदीकियां होने लगती है। लेकिन पाल्मा की आंखें अभी भी नम थी। धीरे धीरे करके दिन महीने साल बीत जाते हैं, लेकिन वो अभी भी उसी इंतजार में थी कि एक दिन उस फ्लाइट से उतरेगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। लेकिन ऐसा दोस्तों अभी तक हुआ नहीं था, ईगर यहाँ पर नहीं आया था। अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी लोगों को पता चल जाता है पाल्मा जो कि एयरपोर्ट में अपने मालिक का इंतजार कर रही है। पाल्मा लोगों के बीच में फेमस हो जाती है और लोग उसके साथ फोटो वगैरह भी क्लिक करवाते हैं। कुछ दिन बाद मिनिस्टर के कहने पर रनवे के पास एक पिंजरा बनवा दिया जाता है जिसमें पाल्मा को रखा जाता है। लेकिन कोलिया को लगता है कि पाल्मा इससे बिल्कुल नाखुश है। तभी कुछ दिन बाद पाल्मा खाना पीना सब कुछ छोड़ देती है और वो धीरे धीरे करके बिल्कुल कमजोर होने लग गई थी। और एक दिन ऐसे ही करके उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि डॉक्टर्स को बुलाना पड़ता है। डॉक्टर सबको बताता है कि वो अब धीरे धीरे करके डिप्रेशन में जा रही है और जब तक ईगर नहीं आएगा वो ठीक नहीं होगी। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन उसकी मौत हो जाएगी। अब ये सब बातें सुन के कोलिया भी काफी उदास हो जाता है और एक रात काफी बारिश हो रही होती है। कोलिया पाल्मा के पास आता है और वो देखता है कि वो बाहर ही बैठी हुई है। वो उसे काफी ठंड लग रही होती है। पाल्मा से कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो, यहाँ मत रुको वरना तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। पर शायद पाल्मा को उसकी बात जरा भी असर नहीं कर रही थी। वो अपनी जगह से हिलती तक नहीं और कोलिया उसके आगे रोने लगता है, उसके आगे हाथ जोड़ता है, उसे बोलता है कि चलो वरना तुम मारी जाओगी। वो गुस्से में आके कहता है कि आखिर सब लोग मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? क्या तुम मेरी मॉम की तरह मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। कोलिया अपनी जैकेट उतारता है और पाल्मा के ऊपर रख देता है और उसके साथ वहीं बारिश में सो जाता है। जब सुबह होती है तो वो देखता है कि पाल्मा जाग गई है और वो उसे एक बार फिर से कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो। और इस बार भी पाल्मा को कोलिया की दोस्ती पे यकीन होता है, इसलिए वो उसके साथ घर चली जाती है, जहाँ नीना टिकनौ भी होते हैं। वो सारे लोग उसे अच्छे से खिलाते पिलाते हैं, पर शायद कोलिया की खुशी ज्यादा देर तक दिखने वाली नहीं थी क्योंकि विक्टर के पास एक कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि ईगर वापस आ रहा है अब पाल्मा को लेने के लिए। ये बात सुन के सारे लोग बहुत ही उदास हो जाते हैं क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि पाल्मा अब उनसे दूर जाए।
लेकिन वो मजबूर होते हैं, इसलिए कोलिया पाल्मा को लेके एयरपोर्ट जाता है जहाँ ईगर प्लेन से बाहर निकलता है। उसके साथ आते ही वहाँ पे मिनिस्टर भी होता है जो कहानी के शुरुआत में हमने देखा था, जो बहुत ही चालाक आदमी है, वेल हम सभी जानते हैं। वो अपने साथ पूरी प्रेस लेके आया था दोस्तों यहाँ पे कि वो पाल्मा के जाने की लाइव रिकॉर्डिंग कर सके और लोगों के सामने हीरो बन सके। जब ईगर पाल्मा के पास आता है तो वो उसे पहचान लेती है और उसका फेस को चूमने लगती है। उसके सालों का इंतजार था, वो आखिर उसके पास आ ही गया। अब ये सब देखकर कोलिया काफी उदास हो जाता है और वहां से जाने लगता है और विक्टर से ये देखा नहीं जाता। वो ईगर को साइड में ले जाता है और वहां उसे वो कुछ पैसे देता है और बोलता है कि पाल्मा को हमें दे दो। पर ईगर कहता है कि वो पाल्मा को नहीं ले जाना चाहता, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि अगर वो उसे यहाँ से नहीं ले गया तो मिनिस्टर उसकी फॉरेन में जॉब छोड़वा देगा। मतलब यहाँ पे घपला है, ये मिनिस्टर अपने फायदे के लिए ईगर को फंसा रहा है। अब कुछ देर बाद ईगर पाल्मा को लेके प्लेन में चढ़ता है, लेकिन बीच में ही वो रस्सी छुड़ा के वहां से भागने लगती है क्योंकि अब वो कोलिया के पास रहना चाहती है। पर तभी वहां एक गार्ड उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती ही उसे दोबारा से प्लेन में बैठा देता है। वेल गाइस, कहानी में यहाँ पे ट्विस्ट आता है। प्लेन से ईगर पाल्मा को लेके जा रहा होता है, उस प्लेन का पायलट विक्टर ही होता है। वो आखिर समय पे उस प्लेन को उड़ाने से मना कर देता है और उसकी ये बात सुन के जूलिना उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, इससे तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। विक्टर बिना कुछ बोले प्लेन से बाहर आ जाता है और तभी प्लेन की एयर होस्टेस ईगर के पास आती है और उसे कहती है कि आपको पाल्मा का हेल्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा। मतलब वही दोबारा से मूवी का स्टार्टिंग वाला सीन आ जाता है। और उसकी इस बात को सुनकर मिनिस्टर जूलिना पे काफी नाराज होता है, कहता है कि क्यों ये ड्रामा कर रही हो तुम सारी चीजें। लेकिन जूलिना कहती है कि ये हमारा ही बनाया हुआ रूल्स है और हमें इसे फॉलो करना ही होगा। अब इन सब लोगों की बातें सुनकर ईगर पाल्मा की तरफ देखता है और पाल्मा की नम आंखों को देखकर वो हार जाता है, जिस वजह से वो उसके गली का पट्टा निकाल देता है और पाल्मा से कहता है कि रन पाल्मा, और वो वहां से भागना चालू कर देती है और भागते भागते कोलिया के पास आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर गले लगा लेते हैं और ये देखकर सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। वेल गाइस, किसी ने सच ही कहा कि इंसान आपको कभी न कभी छोड़कर चला जा सकता है, लेकिन एक जानवर आपको कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। वेल गाइस, ये कहानी मुझे कुछ सिमिलर लगी हम दिल दे चुके सनम जैसी मूवी से, बस आपको कैरेक्टर चेंज करके देखना है। सो गाइस, क्या आपको भी ऐसी लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।